सबसे पहले ओंकार करेंगे. प्लीज जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओंकार. चलिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हमारा पाठ है त्रिवर्ण ध्वज. ठीक है, लेसन 8 त्रिवर्ण ध्वज. मैं पहले स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ आपके साथ में चैप्टर के. स्क्रीन आ गया आपके सामने? यस मैम. मुझे लग रहा हैंग हो गया, हैंग हो गया, इसको दोबारा से ऑन करेंगे. ये हैंग हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं, हैंग तो नहीं है. ये टाइम बहुत ले रहा है. फिर से हम खोलते हैं. त्रिवर्ण ध्वज हैंग हो जाता बहुत देर पहले से खोल के रखो ना. चलिए इसको खोलते हैं जरा चैप्टर. खुल रहा है धीरे धीरे, क्या बात है, क्यों बार बार ऐसे. आप लोगों के पास बुक है क्या? यस मैम. यस मैम. नहीं तो एक बार इसको स्टॉप करके मैं टाटा इसका निकालती हूँ. पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है. चलिए क्लास पर वापस आना है. मैं एक बार टाटा इसको करती हूँ प्रेजेंट. उस
में भी है लेसन बहुत अच्छे से, वैसे क्लास एक ही होती है, उसमें इतना टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अभी आपके सामने आ गया ना मैम? आ जाएगा, नो मैम, आ जाएगा, एक सेकंड रुको, आ रहा होगा, आ गया होगा, अब आ गया होगा। यस मैम, हाँ यस मैम, अभी हम जाते हैं और चैप्टर्स में। यस मैम, हाँ चलो, अब हम संस्कृत लिटरेचर वर्ण ध्वजा, चलिए इससे सुनिए, वो भी पढ़ाएगा मैं भी समझा दूंगी। चलिए शुरू कर। त्रिवर्ण ध्वज, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस धार्मिक त्योहार हैं। कुछ त्योहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, चाह यहां से लेंगे, और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण माने झंडा फहराना, सोत्साहम उत्साहपूर्वक, गच्छन्तः माने जाते हुए, परस्परम माने आपस में, सब सल्लपंति माने बातचीत करते हैं, बातचीत या आपस में बातें करते हो जाते, गच्छन्तः में कोई बताएगा मुझे कि कौन सा वह है प्रत्यय, गच्छन्तः में कौन सा प्रत्यय है बताएगा? बताइए भाई, सत्रह प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लड़के तथा लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में बहुत उत्साह से जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य माने विद्यालय के, प्राचार्यः माने प्राचार्य, ध्वजारोहणं ध्वजारोहण करिष्यति माने करेंगे। प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय में मुख्याध्यापक जी झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे या दिखाएंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदक अंते च और अंत में मोदकानी मिलिष्यन्ति माने लड्डू मिलेंगे कानी मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। शुचे शुचे त्वं जानसि जानसि त्वं अस्माकं ध्वजा कीदृशा हे शुचि तुम जानती हो हमारा ध्वज किस प्रकार का है या कैसा है। जानसि त्वं अस्माकं ध्वजः कीदृशः शुचि क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हाँ हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। रुचि अयम त्रिवर्णम कथम ये तीन रंग का कैसा। रुचि यह तीन रंग का कैसा। अयम त्रिवर्णः कथम रुचि ये तिरंगा क्यों है यह कैसा है। अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णः सन्ति इस झंडे में तीन रंग है अतः त्रिवर्णः इसलिए यह तिरंगा है। त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः इस ध्वज में तीन रंग है इसलिए ये तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो। पाठ बहुत सरल है। वर्णानां नामानि जानसि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च केसर रंग सफेद और हरा एते त्रय वर्ण ये तीन रंग हैं। श्वेत हरित च एते त्रय वर्ण अरे केसरी सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्ण किम सूचयन्ति हमारे ध्वज में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं क्या दर्शाते हैं। ध्वजे एते त्रयः वर्णः किं सूचयन्ति हमारे ध्वज के तीन रंग क्या बताते हैं क्या सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते शुनु। हैं शुणु माने सुनो। केशर वर्णः सौरस्य माने पराक्रम का। श्वेत वर्णः सत्यस्य सत्य का। सफेद रंग सत्य का। हरदश्च और हरा समृद्धि का सूचक संति माने सूचक है। सुनो केसर रंग सॉरी आप शौर्य शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। शौर्य का मतलब होता है पराक्रम। पराक्रम सफेद सत्य और हरा समृद्धि का सूचक है। केशर वर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धेः सूचकः सन्ति। सुनो केसरी रंग वीरता का सफेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम् क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है। एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम् क्या इन रंगों का कोई और महत्व भी है। आम कथम न क्यों नहीं। कथम न हाँ हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित सबसे ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग उत्साह और उत्साह का सूचक है। त्याग और उत्साह का सूचक है। जस्य ऊपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज का केसरी रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः
सूचिताः च द्योतकः, सूचक द्योतक प्रतीक ये सब एक ही अर्थ में है। मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता, सात्विकता का, शुचिताया माने पवित्रता का, द्योतक माने प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, बीच में स्थित सफेद रंग सच्चाई और ईमानदारी का सूचक है। शुचिता माने पवित्रता भी होता है। अधः स्थितः हरि, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः शुष्मायाः उर्वरतायाः च द्योतकः, और सबसे नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः माने धरती की, सुषमाया माने सुंदरता का, सौंदर्य का, और उर्वरता का सूचक है। हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, नीचे का हरा रंग पृथ्वी की सुषमा तथा उसके उपजाऊ होने का सूचक है। सुषमा माने सौंदर्य। शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते, शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। ध्वज के मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, शुचि ध्वज के मध्य में नीले रंग का चक्र है। आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ, ये अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है या सूचक है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, ये प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से ही इसको ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 लाइनें हैं या तीलियां हैं, लाइनें हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 डंडियां हैं। भारतस्य संविधान सभायां द्वाद्विंशतः, भारतस्य संविधान सभायां ये 22 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया माने पूरी सहमति से इस ध्वज को स्वीकार, ये ध्वज स्वीकार हुआ। जुलाई सप्त चतुर नरवैक तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को सभी की अनुमति से इस ध्वज को अपनाया गया था। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा ये तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतः एव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलन माने फहराया, फहराना समारोह पूर्वक होता है, माने एक समारोह के रूप में मनाया। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस को ये समारोह के रूप में फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम्, हमारे तिरंगे की जय हो, भारत की। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, हमारे तिरंगे की जय हो,
जय तो भारत, हेलो भारत की जय, जय हो। हेलो हाँ बोलिए, कौन है? साईराम, साईराम आवाज आ रही है मेरे को मेरी? यस मैम। तो ये बीच में किसकी आवाज आ रही थी हेलो करके, कौन बोल रहा था? मैम आदित्य बोल रहा था। आदित्य क्या हुआ? मैम क्या आपको मेरी आवाज आ रही थी अभी? हाँ अभी आवाज आ रही थी हेलो ऐसे करके। मैम मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मैंने पहले भी ट्राई कर चुके थे पर मैम मैम मेरा मैम आवाज नहीं आ पाता था। ओके ओके ओके, चलिए अभी तो आवाज आपको आ रही थी ना पूरी? यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दो बार ये लेसन एक्सप्लेन कर दिया गया, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब जब त्रिवर्णा ध्वजा के विषय को अच्छी तरह से जान चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्माकं विद्यालय से, हम इसका वो नहीं पढ़ेंगे पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, जस्ट हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। कहा दिवस विद्यालय मान्यते कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण और प्राचार्य स्वतंत्रता दिवस। ओके स्वतंत्रता दिवस अच्छा, वो पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही अपना। प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, छात्रा च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति, कः दिवसः? विद्यालये मान्यते, कौन सा दिवस विद्यालय में मनाया जा रहा है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। अब सही ले लिया, अब इसने ले लिया। सही ये सही जवाब है विद्यालय। अगला प्रश्न आएगा इसमें, ध्वजारोहणम कह करिष्यति, ध्वजारोहण कौन करेंगे? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर बोलो, क्लिक करें। आंसर दो। प्राचार्य। 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 चलिए सही उत्तर, यह सही जवाब है प्राचार्य ही। चलिए अगला है, निर्देशानुसारेण उत्तरत, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति ही प्रयोक्ता, अस्माकम इस पद में कौन सी विभक्ति है? बोलिए आंसर। सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। द्वितीया। 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 षष्ठी विभक्ति, सोच लीजिए अब आप लोग। यह सही जवाब है, अस्माकम में षष्ठी विभक्ति है जो कि संबंध कारक है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया है ना, उसके यही तो आएगा, मया तृतीया होगी कि नहीं होगी? माम और मया, मम अवयो अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। डेविड आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थित, शुचिताया दोतकः कः, अधा श्वेतवर्णः हरितवर्णः त्यागस्य, श्वेतवर्णः। अब देखते हैं ले रहा है कि नहीं ले रहा, जब तक इसका पूरा पैरा नहीं हो। केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, शुचितायाः द्योतकः कः? शुचिता का सूचक कौन है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। यह सही जवाब है
सफेद रंग, चलिए नेक्स्ट इसका, हरित वर्ण कस्य द्योतकः अस्ति, हरा रंग किसका प्रतीक है, सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। यह सही जवाब है हरा रंग। उपरि इत्यस्य किम विपर्यय पदम अत्र प्रयुक्तम्, उपरि इसका कौन सा विलोम पद प्रयोग हुआ है, सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, यह सही जवाब है अधा। चलो ये हो गया इसका कंप्लीट, अब हम नेक्स्ट वाला निकालते हैं हैंड आउट। ये मुझे लगता है पूरा हुआ है क्या इसका, ये तो उसका अर्थ ही है। चलिए हम अगला निकालते जिसमें ध्वजे कति वर्णः सन्ति, बोलो त्रीणि त्रिवर्ण होगा क्या, वर्ण जब पुल्लिंग है तो त्रिणी नपुंसकलिंग का प्रयोग क्यों, मैम त्रयः त्रयः गुड त्रयः। हाँ अगला है ध्वजस्य वर्णानां कानि नामानि सन्ति, पूर्ण वाक्येन लिखत, मैम ध्वजस्य वर्णानां इतना आंसर मैंने कर दिया, आगे बोलो ध्वजस्य वर्णानाम केशर वर्णः हाँ श्वेतः हरितः च नामानि सन्ति, इस तरीके से हो जाएगा। सन्ति इत्यत्र कः धातु प्रयुक्तः, कौन सी धातु है सन्ति में, अस् धातु गुड अगला नाट्यांश है तस्य उत्तोलनम ध्वज समारोह पूर्वक कम भवति, किसका कराया कराना ध्वजस्य गुड। इसके बाद अगला है आपका ध्वजस्य कस्य प्रतीकः अस्ति, पूर्ण वाक्य अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः, तया नहीं है तया, सुनो 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 सुनो, तयाः गलत लिखा हुआ है, तायाः है स्वाधीनतायाः, तायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः गुड। त्रिवर्ण ध्वजः अनयो पदयो विशेषण पदं किम्, त्रिवर्णः, अरे भैया त्रिवर्णः त्रिवर्ण शब्द गुज। चलिए कोई अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हाँ संख्यावाची शब्द है, अस्मिन् चक्रे है अरा संति चतुर्विंशति, ठीक है चतुर्विंशति ही ओके, पहला वाला अस्माकं द्वजे वर्ण संति त्रयः, तर्हि छात्राः कार्यक्रमं प्रस्तोष्यन्ति, सप्तः सप्त छात्राः, क्योंकि पंच फाइव तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब एक साथ चलते हैं। चलिए अगला है अधोलिखितेषु अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा अस्माकं ध्वजः त्रिवर्णः, अब इसमें देखिए अस्माकं शब्द को किया गया है, अस्माकं शब्द को अंडरलाइन किया गया है, चलिए अस्माकं को यदि हमने वो कर दिया इसको केशम केशम गुड, सौर्यस्य अच्छा क्या
मौर्यस्य भवेत् श्वेतवर्णः सौर्यस्य श्वेतवर्णः। यदि हम इसमें से श्वेतवर्ण श्वेत श्वेत को हम अंडरलाइन करेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग बहुत सारी मिस्टेक भी हुई है, श्वेत को हम अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा? श्वेत भवेत जो लिखा हुआ है भवेत कीदृशः भोज चक्रे चतुर्विंशति अरह संति, इसमें चतुर्विंशति को हम अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा? गुड गुड गुड, इसमें और भी हैं। चलिए अब है संधि विच्छेद, हरित सत्य से हरितश्च, हरितश्च क्या होगी संधि? हरित प्लस च, गुड ओके। अब हम अगला देखेंगे इसमें, विद्यालयस्य विद्यालयस्य क्या होगी? विद्या प्लस आलस्य, विद्या प्लस ओके। अन्यत प्लस अपि, अन्यत प्लस अपि का क्या होगा? अन्यत अपि, कौन सा वाला, कौन सा वाला, पहला वाला या तीसरा वाला? देखो यहाँ पर ये त है, हलंत है, तो द में बदलेगा लेकिन उसके बाद उसे अ मिलेगा तो द पूरा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके। चलिए इसके बाद अधोलिखित नाम पदानाम पर्याय पदम चित्वा लिखन, श्वेतः पर्याय पदम नहीं है तो विलोम लिखे हुए हैं। देखो श्वेतः का हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण श्वेता का कृष्ण हो जाएगा, ये पर्याय नहीं है, विलोम पदम है ना। फिर उत्साह से अनुत्साह, प्रगते अवनते, शुचि शुचि वाले पवित्र अपवित्र, ये सब उल्टा सीधा देते रहते हैं, खूब सारी गलतियां। आगे जाएंगे हम पद परिचय, ठीक है। जगति 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 का मूल शब्द क्या होगा? जगति का मूल शब्द क्या होगा? जगत सकारांत है और कौन सी विभक्ति लगी हुई है बताइए, जगति में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्त में विभक्ति एक वचन। ध्वज ध्वज पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। जयतु ये तो धातु है, इसको तो बता ही सकते हैं, जय मूल धातु जय या जित। इसके बाद ये लोटकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। चलिए और भी है क्या देखते हैं इसमें, और विशेषण विशेष त्रिवर्ण ध्वज ध्वज अस्मिन ध्वज हो गया, अस्मिन चक्रे चक्रे गुड, त्रय वर्णः स्वतंत्रता दिवस। एक ही है क्या इसमें, बस और भी है कुछ? एक बार और ट्राई करते हैं हम, इसमें और है क्या? हाँ है, क्या है देखिए, नहीं यही है, इसके बाद और है क्या अगला इसमें? नहीं। चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं, शायद ये आपकी पाठ से संबंधित है ना,
ये आपके पाठ से संबंधित होगा। चलो हम शुरू करते हैं इसको। आंसर पहले नहीं निकालेंगे, आंसर निकालेंगे बाद में। हाँ, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णः सन्ति, आम या न? आम। ओके। आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः? नो। ध्वजे ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः? केशर वर्ण शक्ति का सूचक है? आम। हाँ। चक्रे त्रिंशत अरह सन्ति? नो। नहीं, गलत है, ना है ये। चक्रम प्रगते द्योतक? आम। हाँ, धीरे से क्यों बोला रहा है? हाँ, चक्र प्रगति का सूचक है। हाँ, सही है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन जो है, चलिए जैसे प्रियाणाम षष्ठी बहुवचन समृद्धे, बताइए कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? षष्ठी एकवचनम। षष्ठी एकवचनम या हाँ समृद्धि का, यहाँ यदि पाठ के अनुसार है तो षष्ठी व्यक्ति, नहीं तो पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों ही है। वर्णा नाम षष्ठी बहुवचन। उत्साह से ओके। नागरिक तृतीय बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी बहुवचनम्। प्राणानाम ओके। सभायां सप्तमी व्यक्ति बहुवचन नहीं, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। चलिए अगला इसमें हम देखेंगे। सब आते नहीं अगला इसमें। ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, इतना सुंदर गा रहा है जो, इसमें फोर है, आ क्यों नहीं रहा है ये? फोर मेरे भाई गा रहा था मैं भी। आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पर आ रहा? अच्छा हाँ, लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं भूल जाती हूँ हमेशा। पता है क्या हो जाता है कि कारण इसका ये हो जाता है कि वो वहां पर शायद से टाइम खत्म हो जाता है ना, और मैं ध्यान नहीं दे पाती। आप लोगों को दिखता है वहां पर साईराम? यस मैम। आप लोगों को दिखता है वहां पर कि वो टाइम शो कर रहा होता है तो? यस मैम दिखता है। एक्सटेंड करने के लिए आता है ऑप्शन, तो आप लोग मुझे याद दिला दिया करें, मैं अक्सर कर भूल जाती हूँ। हाँ ना, हम लोग ये वाला ही लास्ट वाला ही कर रहे थे ना। चलो अगला अपना निकालना है, तो जब एक्सटेंड वाला आता है तो एक बार याद दिला दिया करो मुझे, है ना, कि मैम एक्सटेंड कर दो, नहीं तो फिर क्या गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो आंसर के साथ दिया हुआ है यार, ये आंसर हटाएंगे इसमें से नहीं। हाँ, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो त्रयः। त्रय वर्ण ध्वजे शक्तिकायः सूचकः कः? केशर वर्णः। अशोक चक्र चक्रे कस्य अशोक चक्रं कस्य द्योतकः आसीत्? सत्य धर्म अहिंसाश्च। ओके। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीकः? राष्ट्रगौरवस्य या स्वाभिमानस्य या स्वाधीनतायाः। इसमें स्वाभिमानस्य लिखा है लेकिन पाठ के अनुसार क्या होगा, या तो स्वाधीनतायाः या राष्ट्रगौरवस्य। चलिए अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजः सात्विकतायाः शुचितायाः सूचकः अस्ति। ये तो आप लोग कर भी लेंगे ना। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति।
ये हमें लगता है पाठ की एक्सरसाइज है क्या? यस मैम। हाँ, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अभी नहीं। अशोक चक्रे कति आरा सन्ति? कति आरा सन्ति? तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति। अधोलिख वाक्येषु रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणं कुरु। और ये प्रश्न निर्माण के नीचे निशान तो लगाते नहीं है, हमको ही वो करना पड़ता है क्या? अच्छा लगे हुए इसमें नहीं, चलिए हम अलग अलग करें। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। त्रिवर्ण ध्वजः स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्यात्। नहीं, स्वधर्मात होगा तो अस्मात्, और प्रमादम होगा तो किम? एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रीणां सद्बुद्धे सत्फलम्। नेत्रीणां होगा तो केशा? ओके, सद्बुद्धे तो होगा तो तस्याः। चलिए शत्रुणाम समक्षम विजयम सुनिश्चित। शत्रुणाम केशम? ओके, यहाँ पर कहा आया है, फिर प्रमादम का किम आया है, और नेत्रीणाम का कस्य आया है। कस्य गलत होगा, नहीं नेत्रीणाम भी वो है क्या, केशम ही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, जैसे अग्निशिखा सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा, अग्निशिखाया अग्निशिखा बोलो, द्वितीय द्विवचन बोलो, जैसे अग्निशिखाया फिर अग्निशिखा बोलो भाई क्या आएगा द्विवचनम? अग्निशिखायो बहुवचनम क्या होगा? अग्निशिखासु। अब आएगा चतुर्थी व्यक्ति सभाभ्याम, तो यहाँ क्या आएगा? सभायै, सभायै, सभाभ्याम सभाभ्य, हिंसाम कौन सा पूछा द्वितीय व्यक्ति, हिंसाम सॉरी अहिंसाम अहिंसे अहिंसाहा, मैं ही जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप लोग तो बता ही नहीं पा रहे हैं। पंचमी व्यक्ति सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। तृतीय व्यक्ति सूचकया सूचकाभ्याम और सूचकाभ्याम। अगला, अच्छा अगला देखते हैं इसमें क्या है। हाँ ये तो यहाँ आंसर ही दिया हुआ है इनके, समुचित मेलनम, यही वाला क्वेश्चन लास्ट रह गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। ओके, यहाँ तो ये आंसर भी साथ ही दे रहे हैं। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, हरित वर्ण सुषमायः उर्वरतायः च सूचकः, अशोक चक्रम नित्यगते न्यायस्य प्रवर्तकम्, त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनतायः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, त्रिवर्ण ध्वजः स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। और भी है, हो गया ये वाला लेसन? चलिए साई राम, आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। चल बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनका आज मैं निकालती हूँ लिस्ट और उनको मैसेज भेजती हूँ। सिर्फ 18 बच्चों ने ज्वाइन किया था। साई राम, कुछ पूछना है आपको पिछले पार्ट से? यदि कोई पिछले पार्ट का डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप उससे। मैम
मैम आपको पता चलेंगे हमारे संस्कृत के। उस दिन बता तो दिया थे आपको, फिर से मार्क्स की क्या जरूरत पड़ रही है, बता तो दिया हमने आपको। उस दिन आपने पूछे थे तो आपके मार्क्स हमने बता दिए थे मार्क। नो मैम, पूरा रिजल्ट कब आएगा सारे सब्जेक्ट का? अभी चल रही है तैयारी, आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिमार्क रह गए हैं, तो रिमार्क हम लोगों ने फिल करना शुरू कर दिया है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है मैम। हाँ बोलिए मैम। मुझे बायोलॉजी वाले चैप्टर का एक वर्ड समझ नहीं आ रहा। कौन से उसका बताओ, पूछो मुझसे। प्रतोष्मी दाव संकल्प।